बेटी, लेकिन तुम कहाँ ले जा रही हो? चलिए ना बड़े पापा, आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ। टाइम अगर आप नहीं चलिए, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। चलिए ना बड़े पापा। चलो भाई चलो, ये लड़की में बस ठीक है, चलो। हाँ ये ठीक है, लक्ष्मी तुम हो गया। नो चाचू, आप दोनों को ही मेरे साथ चलना पड़ेगा, कम ऑन। मुझे? अरे लेकिन बेटा, चलिए बच्ची इतना कह रही है, चलिए चुपचाप। भाई अब तो चलना ही पड़ेगा। चलो भाई चलो, पहले ये सब छोड़ो, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? मम्मी मैं कहता हूँ चलो। बॉबी, ओफो, अभी हर वक्त कान में गड़ रहेगा, चलो। अरे लेकिन कहाँ बेटा? मैं कहता हूँ चलो आप मेरे साथ। अरे कहाँ लेके जा रहा? क्यों काम में डिस्टर्ब कर? हेलो, हाँ सुमन, अच्छा मैं अभी आती हूँ। ओके। वेलकम। आइए आइए, आ चीफ गेस्ट प्लीज कम। अरे आइए। फॉर यू, फॉर मी, स्वागत है राजकुमारी। चंद्रिका क्या हुआ? चंद्रिका क्या बात हो रही? तुम रो क्यों रही हो बेटी? आज के दिन भी वही रोता है बेटी। तुम्हें केक अच्छा नहीं लगा? अगर तुम्हें ये केक पसंद नहीं है तो दूसरा मंगवा देते हैं। बेटी कोई कमी रह गई क्या? नहीं चाचा जी, ये तो खुशी के आंसू है। मैंने पहले कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया ना। चल पगली। ऐसे रोते हैं क्या? चल मुस्कुरा दे, मुस्कुरा मुस्कुरा दे। क्या बात है जनाब, आज आपका मूड ठीक नहीं लग रहा है? सच्चाई से आंखें नहीं चुरानी चाहिए प्रकाश। डॉक्टर क्या हुआ है ना, क्या कहा उन्होंने? मेरी विदाई का वक्त कितना दूर है? सुप्रिया, डॉक्टर ने ये जो रिपोर्ट दी है ये गलत है। वो ऐसी रिपोर्ट कैसे दे सकते हैं? मैंने आपसे पूछा प्रकाश, मेरे पास अब कितना वक्त है? वक्त बहुत कम है सुप्रिया, शायद इतना कम कि हमारे होने वाले बच्चे की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। क्या? नहीं प्रकाश,
मेरे पास वक्त जरूर कम है लेकिन इतना कम नहीं कि मैं आपके बच्चे को भी जन्म न दे सकूं। देखो सुप्रिया मैं प्रकाश बिलीव मी आप तो जानते हैं ना प्रकाश कि मैं सिद्धि किस्म की लड़की हूँ तो बस समझ लीजिए कि ये मेरी आखिरी जिद है। मैं आपको एक हंसता खेलता नन्ना मुन्ना सा बच्चा जरूर सौंपना चाहूंगी चाहे उसे खिलाने के लिए मैं जिंदा न रहूं। लेकिन सुप्रिया ये डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है मैंने कहा ना ये रिपोर्ट्स गलत है प्रकाश इन रिपोर्ट से केवल दर्द की बातें सामने आती हैं मन की नहीं और जब मैंने अपने मन में कुछ ठान लिया हो तो ये कागज के टुकड़े उसे इधर तो नहीं कर पाएंगे प्रकाश नहीं कर पाएंगे and I am very confident about it। सुप्रिया बस बस अब तो मुस्कुरा दीजिए जना क्या आपको अपनी बीवी पर इतना भी भरोसा नहीं है? ये क्या कह रही है तुम? मुझे तुम पर पूरा भरोसा, पूरा भरोसा। भाई राम जी, अब तुम ही समझाओ इस नालायक को। जैसे भैया कभी आपने मुझे समझाया था और ये लक्ष्मी देवी उन लोगों को मिल गई वैसे। मजाक छोड़िए देवन जी, अब वीरेंद्र की शादी हो जानी चाहिए। हाँ हाँ सो तो है भाभी। वो हाँ तो करे, एक से एक रिश्ते आ रहे हैं हमारे पास। लगता है ये अपनी भाभी से ही हाँ करेगा। हाँ ओ वीरेंद्र भैया मान भी जाइए ना। हाँ वीरेंद्र भैया अब नखरे मत कीजिए प्लीज मान भी जाइए। अरे मैंने मना कब किया है? ओ ओ मतलब हाँ कह दिए? हाँ मेरी एक शर्त है कि मैं लड़की को देखने नहीं जाऊंगा। आप लोग जैसा ठीक समझें वैसा करें। ओके ओके दैट्स गुड। नाउ नेक्स्ट चंद्रिका अब तुम भी हाँ कर दो। हाँ चंद्रिका। क्या भैया आपको मुझे घर से निकालने की इतनी जल्दी क्यों है? चंद्रिका बेटे शादी तो तुम्हें करनी ही है। हाँ चाची करूंगी लेकिन पहले वीरेन की शादी तो होने दीजिए। भाभी आएगी उस दिन मैं ननद बनके ऐश करूंगी तो जैसा आप लोग चाहेंगे। बेटी लेकिन दोनों शादियां एक साथ हो जाए तो कितना अच्छा होगा। नहीं चाचा जी साथ साथ नहीं वन बाय वन। प्लीज चाचा जी मुझे कुछ दिन और आपकी बेटी बन के रहने दीजिए ना इस घर में। चंद्रिका प्लीज मान जाओ प्लीज। भैया प्लीज इस बार आप मान जाइए ना। सच मुझे इतना सुख पहले कभी नहीं मिला। प्लीज ठीक है बेटा। थैंक यू चाचा जी। अपने आप को संभालिए। कैसे संभालो बेटा वो भी ऐसी खबर सुनने के बाद। इसलिए ये खबर मैं आपको नहीं सुनाना चाह रहा था लेकिन डैडा आप ही ने तो कहा था कि सच्चाई का मुकाबला करना पड़ता है। अरे बेटा ये कैसी सच्चाई है कि दिया भर के सारे कड़वे सच मेरे ही नसीब में लिखे। सुप्रिया की खबर क्या कम दुखदायी थी जो मुझे अपने पोते के बारे में भी ये सब सुनना पड़ा। बेटा तूने डॉक्टर से ठीक से बात की है ना? हाँ डॉ मैंने डॉक्टर साहब से अच्छी तरह से बात की। अब आपके पोते की जिंदगी उसका भविष्य आपकी बहू की जिंदगी पर निर्भर करता। अब हम लोग यही दुआ कर सकते हैं कि सुप्रिया की उम्र
कुछ महीने और पड़ जाए, वरना सैगल, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर दी है। आप किसी रोज आइए ना हमारे घर पर डिनर के लिए। हाँ हाँ, ओके ओके, बाय बाय। किससे बात कर रही थी पांचू? क्या किससे बात कर रही थी सुरेन, तुम बड़े खराब हो। तुम्हारा इतना बड़ा टेंडर पास हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो तो मिस्टर सैगल का फोन मैंने अटेंड कर लिया और मुझे ये बात पता चल गई। हाँ, टेंडर पास हुआ है, लेकिन पता है बड़ी माँ हमेशा कहा करती थी कि बेटा जब तक किसी बात का फाइनल रिजल्ट सामने नहीं आ जाए ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। Oh my God, give me a break. ये बड़ी माँ मेरा पीछा कब छोड़ेंगी? और वैसे भी सुरेन, टेंडर का सारा काम तो तुम्हें करना है ना, बड़ी माँ की आत्मा को तो नहीं? And by the way, आज तक तुमने जितने भी टेंडर पास किए हैं, उनका रिजल्ट क्या हुआ है? हाँ, सारी इनकम तो सब में बंट जाया करती थी, लेकिन अब जो कुछ भी होगा सिर्फ हमारा होगा। फिर तुम देखना सबके मुँह कैसे बंद हो जाएंगे। अरे मैंने तो अभी से डिसाइड कर लिया है, मैं तो इससे भी बड़ा बंगला खरीदूंगी जिसमें एक गार्डन हो, एक स्विमिंग पूल। ओके ओके ओके, तुम्हें जो कुछ खरीदना है खरीद लेना, लेकिन ये बताओ कि लंच में क्या बना रही हो। मैं खाना घर पे खाऊंगा। आर यू मैड? अरे इतनी बड़ी खुशी के बाद कोई इंसान घर में खाना खाता है? तुम 5 मिनट यहाँ रखो, मैं बस तैयार होकर आती हूँ। हम दोनों लंच और डिनर सब वहीं बाहर करेंगे। ओके आप ठीक कह रहे हैं भैया, वीरेंद्र की शादी जल्दी ही कर लेनी चाहिए। यही एक रास्ता है उसकी उदासी दूर करने का। शादी हो जाएगी तो धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। मेरी नजर में एक लड़की है राम। अच्छी बात है भैया, तो आप जल्दी से जाकर उसे देख लीजिए। देखने की जरूरत नहीं है राम, हम उसे देख चुके हैं। ये तो और भी अच्छी बात है भैया, अगर आप उसे देख चुके हैं तो। सिर्फ मैं ही नहीं राम, तुम भी उसे कई बार देख चुके हो। जी मैं भी। कौन है वो लड़की भैया? बजाज साहब की बेटी। ओहो, तो आप नेहा की बात कर रहे हैं? ये लो, तुम्हें तो नाम भी याद है। क्यों नहीं होगा भैया, कई बार मिल चुके हैं उससे बिजनेस मीटिंग्स में। सचमुच बड़ी प्यारी बच्ची है। मैं तो कहता हूँ भैया आप बात आगे बढ़ा ही दीजिए। ठीक है, तो फिर कल उन्हें इनवाइट करते हैं ताकि हमारे घर वाले और वीरेंद्र भी उसे देखें। ठीक है? ठीक है भैया। प्रसाद जी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इतने समय के बाद आपको मैं और मेरी बेटी नेहा आगे तक याद है। और देखिए ना भाई साहब, ने तो हमारी यहाँ आना जाना ही छोड़ दिया। अरे क्या करें भाभी जी, काम काज में फुर्सत ही नहीं मिलती है। इसलिए तो रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं ताकि आना जाना लगा रहे। ये बिल्कुल ठीक सोचा आपने भाभी जी। नमस्ते सतीश जी, राहुल है। अरे राहुल, इतना बड़ा हो गया। अरे आप लोग बैठे तो सही, क्या खड़े खड़े ही बातें करते रहेंगे भाई? आई, अरे भाई लक्ष्मी जरा देखो चाय। हाँ हाँ, बस मोल लाइ रहा है, बैठिए। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते अंकल जी। नहीं आप बैठिए प्लीज। ये हमारी सबसे बड़ी बहू है सुषमा, राहुल की पत्नी। राहुल के भाई। अभी आप लोग क्यों मेरा जुलूस निकलवा रहे हो? मुझे नहीं मिलना किसी से। ओफ़ वीरेंद्र भैया, ज़्यादा नखरे मत करो। अरे तुम्हें उनसे नहीं मिला लेकिन उन लोगों को तो तुमसे मिला है। और वीरेंद्र भैया स्माइल। ओके आओ भाई आओ, आओ वीरेंद्र आओ। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। ये हमारा वीरेंद्र है। अरे वीरेंद्र बेटा, वहाँ खड़े क्यों हो? आओ आंटी जी का आशीर्वाद लो। आओ जी, आओ जी, आ बैठ। अरे बेटे वीरेंद्र, यहाँ आओ, यहाँ बैठो। जाओ बड़े अंकल का आशीर्वाद भी लो।
बच्चे देखते ही देखते कितने बड़े हो जाते हैं। सो तो है सतीश जी। क्या कर रहे हो बेटा? जी कोई बिजनेस प्लान कर रहा हूँ। वेरी गुड। बिजनेस तो तुम्हारे खून में है बेटे, और बड़ों की गाइडलाइंस भी। भाभी जी अब तो जो कुछ भी है इन्हीं लोगों को संभालना है, हम लोग तो बस रिटायरमेंट वाले लोग हैं। सही है सतीश जी, पसंद आया हमारा वीरेन? अरे बिल्कुल क्यों नहीं, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप लोग कब आ रहे हैं हमारी नेहा को देखने। अरे क्यों भाई, तुम इनविटेशन दोगे इनको या फिर हम ही बोले? अरे भाई होम मिनिस्ट्री से इनवाइट करवाइएगा, खाने पीने का डिपार्टमेंट तो इन्हीं का है और खाने पीने के हम सब लोग बहुत शौकीन हैं। आप जल्दी से आइए, बताइए कब आ रहे हैं आप सब लोग। बस भाभी जी जल्दी ही प्रोग्राम बना के आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। जी जी ठीक है दुर्गा प्रसाद जी, तो अब हम इंतजार करेंगे। जी जरूर। अरे इतनी जल्दी, आपने तो वीरेन से कुछ पूछा ही नहीं। इससे क्या पूछना, ये आपका बच्चा है, बस हमारे लिए यही बहुत है। ठीक है दुर्गा प्रसाद जी, तो हम आपके फोन का इंतजार करेंगे। जी जरूर आइए। भैया कब चले नेहा को देखने? भाभी प्लीज ये मजाक वगैरह छोड़िए अभी। अरे ये मजाक नहीं है, बता कब देखने चल रहे हैं? मामा मैंने आपको बोला ना कि मुझे लड़की नहीं देखनी है, जो आप लोगों की पसंद है वही मेरी भी पसंद है। नमस्कार दीनदयाल जी। नारायण जी आप? दयाल जी इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलो। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बैठिए बैठिए। जिंदगी की तस्वीर का कोई भरोसा क्यों नहीं होता नारायण जी? दीनदयाल जी इस सवाल का जवाब तो वही दे सकता है जो तस्वीर बनाता है, पर मैं उससे सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि वो अगर तस्वीर बिगाड़ना चाहता है तो फिर बनाता ही क्यों है, हमें दिखाता क्यों है? वो भी इस उम्र में। नारायण जी अफसोस इसी बात का है कि हम सिर्फ कुछ तस्वीरों को बिगड़ते हुए देख सकते हैं, उन्हें संभाल नहीं सकते। दीनदयाल जी ये दुख हम दोनों के लिए एक जैसा है, कपड़ों की तरह हम उम्र भी बदल सकते, शायद आज हम दोनों की उम्र सुप्रिया की उम्र को कुछ और लंबी कर देती।